नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीबी न्यूज। वडोदरा महानगर पालिका में आज एक बैठक का आयोजन किया गया था। कोविड 19 को लेकर जो आर्थिक परिस्थिति लोगों की हो रही है, इसी वजह से आज मेयर की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि जो भी नागरिक 1 जून से 30 जून तक अपना टैक्स भर देगा, उन्हें 10% छूट दी जाएगी। वडोदरा महानगर पालिका के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि पालिका प्रशासन के द्वारा कोविड 19 को लेकर लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के द्वारा जो मांग की गई थी कि लोगों को टैक्स में राहत दी जाए और साथ ही उनके जो बिजली के बिल है, पानी के बिल है और स्कूल फीस माफ की जाए, इसी मांग को मद्देनजर रखते हुए मेयर की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में आपको बता दें कि म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, डिप्टी मेयर जयराज सिंह चौहान और स्थायी समिति के अध्यक्ष खासतौर पर मौजूद रहे थे और कई और वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे, जिसमें यह खास निर्णय लिया गया है कि 1 जून से 30 जून तक जो भी नागरिक अपना टैक्स भरेगा, उन्हें 10% रिबेट दिया जाएगा। आपको बता दें हाल ही में कि कांग्रेस के द्वारा इस तरह की मांग रखी गई थी, लेकिन फिलहाल वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल का कहना है कि 10% छूट देना सिर्फ यह नागरिकों के साथ अन्याय है, इस पर फिर से एक बार महानगर पालिका को विचार करना चाहिए। अजय, प्रवर्तमान कोविड की परिस्थिति ने अनुलक्षी ने इन्हें ध्यान में रखी ने एक प्रजालक्षी निर्णय अपने लीधो छे कि जे नागरिक પોતાનો ટેક્સ 1 જૂન થી 30 જૂન સુધીમાં ભરી દે એને 10% રિબેટ કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવશે। એટલે એડવાન્સમાં ટેક્સ ભરી દે, એડવાન્સ ટેક્સ એવું નહીં, અને ગયા વર્ષે આપણું જે બિલ હોય એ જ અનુસાર આ વર્ષે બિલ ભરી દેવાનું, અને એમાં આગલી પણ કોઈ બાકી ના હોવું જોઈએ, આગલા બધા બિલો ભરેલા જ હોવા જોઈએ, અને આ વખતનું જે ભરે એડવાન્સ ટેક્સ, આપણે હંમેશા ટેક્સ એડવાન્સ જ લેતા હોઈએ છીએ ને, હાઉસ ટેક્સ 2021નો, એટલે એ જે ટેક્સ ભરે 1 જૂન થી 30 જૂન સુધીમાં એને 10% રિબેટ મળશે, ને આગળ જે હશે બધું એ ક્લિયર કરેલું હોવું